यूपी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां यूपी के हमीरपुर जिले में कक्षा एक में पढ़ने वाली 6 साल की छात्रा के गले में पेंसिल के छिलके फंसने के कारण दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पहली कक्षा की छात्रा मुंह में कटर फंसाकर पेंसिल छील रही थी। पेंसिल का छिलका गले में फंसने पर श्वास रुकने लगी और परिजन सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि होमवर्क करने के दौरान अर्तिका कटर मुंह में दबाकर पेंसिल छील रही थी। पेंसिल का छिलका मुंह में जाकर श्वास नली में फंस गया। मासूम जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। परिजन सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 की छात्रा थी। मां अनिता का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। बच्ची जो आई है वो अर्तिका नाम की बच्ची है, उसके पिता का नाम नंद किशोर है और वो पहाड़ी वीर की रहने वाली है। बच्ची जो हमारे अस्पताल में आई वो मृत अवस्था में आई थी, उसके परिजन लेके आए थे और परिजनों ने बताया कि बच्ची जो है अपने भाई बहनों के साथ ऊपर छत पे पढ़ाई कर रही थी और पेंसिल छीलने के दौरान ये हादसा हुआ। पेंसिल और कटर जो है मुंह में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।